जय सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, कल सुंदर साहब जी हमने मूल मिलावे की शोभा में श्री राज जी महाराज और श्री श्यामा महारानी के श्रृंगार की शोभा देखी। उसमें हमारे राज जी महाराज ने की शोभा का वर्णन किरण दीदी ने किया और फिर हमारा टाइम हो गया था, तो आज किरण दीदी हमें अच्छे से पूरे मूल मिलावे की शोभा में डुबोएंगी। फिर उसके बाद हम उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। कल ये अधूरा रह गया था क्योंकि टाइम हो गया था, तो अभी किरण दीदी को हम सुंदर साहब जी ये देंगे सेवा कि अपने राज्य श्यामा जी की शोभा में हम सुंदर साथ को अच्छे से हम इनका दीदार करें। किरण दीदी आप आओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो खिन, मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। हम कल मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप की शोभा को निहार रहे थे। कल हमने अपने प्रीतम धाम के दूल्हा, अपने प्रीतम का जो है उस श्रृंगार वस्त्रों का श्रृंगार, शोभा का श्रृंगार, आभूषणों के श्रृंगार को निहारा। चरणों में कैसे झांझरी घुंघरी कांबी और कड़ला के भूषण, मुखारबिंद की शोभा को देखा, शीश कमल में घुंघराले बालों की शोभा को देखा, पाग में कलंगी दुगदुगी की शोभा को देखा, जामे की शोभा को देखा, हारों की शोभा को देखा, बाजुओं की शोभा को देखा, अंगुलियों की शोभा को देखा, सभी वस्त्र का वर्णन हमने सुना। आज हम श्यामा महारानी की शोभा का वर्णन सुनने जा रहे हैं। श्यामा जी जिनके दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर, उनके कैसे झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला अनवट और बिछुआ की शोभा आई। मुखारविंद में नेत्रों की शोभा को सुना, नासिका की शोभा को सुना, अधरों की शोभा को सुना, गालों की शोभा को हमने कल। अब हम उनके श्रवण अंग, श्रवण कैसे हैं, श्रवण जिनमें क्या है, पानड़ी की शोभा आई है। पानड़ी के अंदर कई प्रकार के जो नग हैं वो जड़े हुए और नीचे जो है झाले भी लटक रहे। झाले का मतलब लड़ियां जो है नगों में जड़े हुए हैं, जो उनके मुखारबिंद पर ये झाले लटक रहे हैं, उनकी झाई कैसे मुखारबिंद के ऊपर पड़ रही है वो बहुत ही प्यारी लग। अब हम मुखारबिंद की शोभा को देख करके अपनी श्यामा जी के शीश कमल की शोभा को देखें। शीश कमल में बालों में कितनी सुंदर चोटी जो है वो गुथी हुई, तीन लड़ों में चोटी है, जिसके नीचे क्या है गोफने, जो गोफने हैं वो लटक रहे। मैं गोफनों की शोभा को देख रही हूं, गोफनों के नीचे भी छोटे छोटे फुंदन जो हैं वो लटक रहे हैं, जिसमें कैसे नीलम नीलवी के हैं, पाक माणिक के हैं, सारे नग जो हैं उसके अंदर जड़े हुए, चोटी के अंदर मोतियों की लड़ें भी आई। अब मैं
बालों की चोटी की शोभा को देख करके श्यामा जी की राखड़ी की शोभा को मैं देख रही। राखड़ी जो है उसमें कितने प्रकार के जो नग हैं वो जड़ेंगे, राखड़ी को कैसे माथे के ऊपर बांधा गया है और उनके शीश कमल के ऊपर माथे के ऊपर मोतियों में जड़ी हुई तीन तीन लड़े जो है वो दिखाई दे रही। मैं उसको निहार रही। अब श्यामा जी की लाल रंग की मांग और दोनों तरफ पानड़ी की शोभा रही। पानड़ी का मतलब पत्ते जैसी शोभा आती है, पान का पत्ता जैसे होता है उसकी शोभा में पानड़ी की शोभा जो है वो दिखाई दे रही। अब श्यामा जी के ऐसे श्रृंगार और माथे पर बहुत सुंदर बिंदा कहा गया, बिंदा जिसे टीका भी कहा गया, वो भी बहुत सुंदर दिखाई। श्यामा जी के शीश कमल के ऊपर सेंदुरिया रंग जराब की साड़ी आई। साड़ी के अंदर बेशुमार पत्ते फूलों बेलों की कई तरह के छापे बहुत ही सुंदर जो है नगों में जड़े हुए उनकी शोभा जो है वो दिखाई दे। अब इस शोभा को मैं निहार रही हूं। पल्ले के अंदर भी कई रंगों की पट्टी जो है वो दिखाई दे रही। ऐसा लगता है कि किनारे में कांगरी जो है वो जड़ी हुई। इन शीश कमल की शोभा साड़ी की शोभा को मैं देख रही हूँ। साड़ी कितनी महीन है कि उसके अंदर से श्याम रंग की कंचुकी जो है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही। गोरे रंग की पीठ, सुराहीदार कमर और उस कंचुकी में चार बंद जो है वो बंधे हुए। बंधों के फुंदन जो है वो गर्दन के पीठ के पीछे लटक रहे और श्यामा जी ने नीली लहको चरनिया जो है वो धारण कर रखी। चरनिया वैसे कहने को पेटीकोट कहते हैं लेकिन वो इतना सुंदर लहंगेदार है, लहंगा जैसे होता है जिसमें बेशुमार चित्रकारी का काम, नक्शकारी का काम, नगों से जड़ित जो पेटीकोट है लहंगा जिसे कहा गया वो दिखाई। गले के अंदर मैं देख रही हूँ श्यामा जी के गले में पांच हार जो हैं वो दिखाई दे रहे। पांच हार जिसमें वो पांच हार जो है हीरा माणिक मोती नीलवी और लसनिया का है और उसके ऊपर बड़ा हार जो नीचे आया है वो चंपकली का आया है। चंपकली का हार जिसे कहा गया चंपा की कलियों जैसी जिसकी शोभा आई है। इन हारों के बीच दुगदुगी जो है बहुत ही सुंदर शोभायमान। मैं इस दुगदुगी की शोभा को देख रही हूँ और गले के साथ लगती हुई कंठ सरी, कंठ सरी जो कंठ के साथ लगी हुई हूँ जिसमें चीड़ के जो लड़ियां हैं चार चार जिसकी लड़ियां गले के साथ, उसमें बेशुमार नग जो है मोती हीरा जवाहरात जो है जड़े हुए। मैं इन हारों की शोभा को देखती चली। इस शोभा को देख करके अब मेरी रूह जो है, मेरी आत्मा अपनी श्यामा महारानी जो हमारी सुभान है उनके हस्त कमल की शोभा को देख रही। हस्त कमल कितनी उज्ज्वलता और लालिमा से भरपूर है। अंगुलियां कितनी कोमल हैं। इन अंगुलियों के ऊपर नख जो आए हैं उनमें से कैसे हीरे की भांति चमकती हुई किरणें जो हैं वो निकल रही हैं नहरों की तरह जो सीधी आकाश की ओर जा रही हैं, जिसे लगता है कि पूरा परम धाम ही जगमगा रहा है। इन अंगुलियों की शोभा को देख करके मैं देख रही हूँ कि उनकी अंगुलियों में नगों से जड़ी हुई मुद्रियां जो है वो पहनी हुई और दोनों अंगूठों में आरसी लगी हुई है। इस आरसी में श्यामा महारानी बहुत ही आधे घूंघट से अपने धामधनी को निहारती और बहुत ही लज्जा लिए श्यामा जी राज्य को निहार रहे हैं। मैं उनको देख रही और अब मैं देख रही हूँ कि उनके हाथों में पहुंची की शोभा है
जिसकी पांच पांच लड़े हैं, और कलाई में ब्रेसलेट जैसी उसकी शोभा आई, और इस पहुंची के बाद नव घड़ी की शोभा आई। नव घड़ी जिसमें नौ नौ रत्नों की नौ नौ लड़ियां जो है वो शोभाए मान। उसके बाद नव चूर, नौ प्रकार की चूड़ियां अलग अलग रत्नों में जड़ी हुई है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही। और उसके बाद अगर पहला श्रृंगार पढ़ेंगे ना, तो उसमें कंगन की शोभा की दिखाया गया, उनके अंदर उन्होंने कैसे कंगन पहना हुआ है जो पोला है, नगों से जड़ित कितनी नक्शकारी उसके अंदर की गई है। और दूसरा श्रृंगार श्यामा जी का पढ़ेंगे तो उसमें दो दो डोरे की शोभा आई, और जहां पर उनकी कंचुकी है, कंचुकी मोहरी के ऊपर बहुत ही सुंदर नक्शकारी का काम है, उसके साथ कंकनी की शोभा भी आई है। कंकनी जो है कोनी से ऊपर जो है वो दिखाई दे। कंकनी की शोभा को देख करके अब मैं दोनों बाजुओं में बाजूबंद की शोभा को देख रही। बाजूबंद की शोभा जिसके चार चार फुंदन जो है वो लटक रहे। अब मैं श्यामा महारानी, ऐसा लगता है कि जैसे सितारों में लिपटी हुई कोई महारानी दिखाई दे रही। मैं इस शोभा को अपनी रूह के नैनों से निहारती चली जा रही हूँ, निहारती चली जा रही हूँ, और मैं कह रही हूँ हे मेरे धनी, जैसे कि मैंने छुपाई में कहा, प्यारे मेरे प्यारा प्राण के मोहे पल छोड़ो खीन, हे मेरे धाम धनी, इस मेरी श्यामा महारानी की शोभा को मेरे से एक पल भी अलग नहीं होने देना। मैं चाहती हूँ कि ये शोभा जो है मेरे धाम हृदय में आकर के बस जाए, मैं हर पल इस शोभा को निहारती रहूं। सुंदर साथ जी, यदि श्यामा महारानी की शोभा हमारे धाम हृदय में आ जाती है तो हमें इस बात को गारंटी हो जाती है हमारी कि हमारी परातम भी उस मूल मिलावा के अंदर विराजमान है, तब क्योंकि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को ही श्यामा महारानी का दीदार। अब मैं इस युगल स्वरूप की शोभा को पल पल निहारती चली जा रही। अब युगल स्वरूप जिस सिंहासन के ऊपर विराजमान है, ये सिंहासन कंचन रंग का है, कंचन रंग का। मेरे प्रीतम के मुखार बिंद से इतनी लालिमा निकल रही है कि जिससे ये कंचन रंग का सिंहासन भी लाल रंग का दिखाई दे रहा। इस कंचन रंग के सिंहासन के ऊपर छह डांडे आए हैं और छह पाए आए, छह पाए जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, और छह डांडे, दो डांडे राजी के दाईं तरफ, दो श्यामा जी की बाईं तरफ, और दो बीच में आए, और छह डांडों के ऊपर छह कलशों की शोभा भी आई है। युगल स्वरूप की शोभा शीश कमल के ऊपर दो छत्रियों की शोभा आई है, जहां पर ये दो छत्रियां हैं वहां पर भी दो कलशों की शोभा। ये आठों कलश हेम के अर्थात सोने के कंचन रंग के जड़े हुए हैं। इन अगर हम डांडों की शोभा को देखो तो इसके दस दस पहल आए हैं, दस दस पहलों के अंदर अलग अलग प्रकार के रंग जो हैं दिखाई दे रहे। सिंहासन के ऊपर पांच तकी हैं और इसके एक गद्दी, एक गादी, और गादी के ऊपर दो चाकले आए हैं, चाकले के अंदर बेशुमार नग जो हैं जड़े हुए हैं, और ये जो चाकले हैं वो मखमल के आए हैं। मखमल पहले कहा करते थे, मखमल इतनी कोमल होती है कि जिसका एहसास जो है रूह कर सकती है। और इसके ऊपर पांच तकियों की शोभ, एक तकिया राजी की दाईं तरफ, एक श्यामा जी की बाईं तरफ, एक तकिया जो है दोनों स्वरूपों के बीच, और दो तकिए जो है दोनों स्वरूपों की पीठ के पीछे आए। इनमें बेशमार नक्शकारी का काम जो है वो किया गया है, कई प्रकार की कलाकृति का इस सिंहासन के ऊपर बहुत ही सुंदर दिखाई, चित्रकारी जो है वो दिखाई दे रही। अब सिंहासन के नीचे मैं देख रही हूँ कमल के फूल की शोभा आई है। कमल का फूल जिसकी हजार पंखुड़ियां, ये कहते हैं कि सिंहासन जैसे जहां रखा होता है उसमें कमल के फूल की शोभा जो है वो दिखाई देने
इस चबूतरे के ऊपर लाल रंग की गिलम, गिलम के ऊपर बेशुमार चित्रकारी का काम है। इसकी चार तरह की डोरी जो है किनारे पर दिखाई दे रही, श्याम, श्वेत, हरी और जर। अब मैं इस गिलम की शोभा को देख रही हूं। गिलम इतनी कोमल है कि जब हम अपने चरण रखते हैं तो हमारे चरण जो हैं वो इस गिलम के नीचे ऐसा लगता है कि वो नीचे चले गए हों, इतनी कोमल जो है गिलम है। इसके ऊपर चंद्रमा जो है वो लगा हुआ, चंद्रमा जो है हरे रंग का है जिसके अंदर बेशुमार नग जो है वो जड़े हुए, चारों तरफ मोतियों की और घुंघरियों की जो है लटकन लगी हुई है जिसमें से जब हवा की चलती है तो वो खन झन झन की आवाज जो है वो करती। मैं इस चंद्रमा की शोभा को निहार रही। अब इस सिंहासन यहाँ पर जो चबूतरा आया है, चबूतरे के ऊपर जब हम तीन सीढ़ी चढ़ते हैं तो चबूतरे के ऊपर 64 थंबों की शोभा है। एक 64 थंबों की शोभा तो हमने बाहर देखी और एक थंबों की हार जिसमें दो गलियां आती हैं और तीसरी थंबों की हार जो चबूतरे के ऊपर आई। इस चबूतरे के ऊपर 64 थंब, गलियों में जो थंब है उसमें भी 64 थंब और 64 थंब की शोभा जो है बाहर भी आई। अब हमने देखना है कि इन 64 थंबों का रंग कैसा है। ये बीच के जो थंब दिखाई दे रहे हैं ये पांच के आए, पांच मैंने हरा, कहीं पांच को नीला कहा गया लेकिन अगर हम पांच को कहेंगे तो दोनों नीले हो जाएंगे, इसलिए पांच जो है वो हरे रंग का है और दोनों जो आसपास के थंब है वो कौन से आए, नीलम के आए, नीलवी के। और ये पूरब की तरफ है और अब हम देखते हैं पश्चिम की तरफ। पश्चिम के जो दोनों थंब बीज के हैं वो नीलवी के आए हैं और दोनों अगल बगल में थंब जो है वो पांच के हैं। अब मैं उत्तर की दिशा में जो बीज के दम उत्तर में जो थंब है वो कौन से आए हैं, पुखराज के। उत्तर दिशा मीनू उत्तर पुखराज के आए हैं और दोनों जो दोनों तरफ थंब आए हैं वो आए हैं माणिक के। और दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ आया है इसलिए बीच के दोनों थंब माणिक के आए हैं और अगल बगल में पुखराज के। इस तरह से चार खांचे जो हैं वो बन जाते हैं, चार खांचे बनते हैं। तो अब हम इसकी शोभा पूरब से लेकर के देखेंगे उत्तर की तरफ, पूरब से दक्षिण की तरफ और पश्चिम से उत्तर की तरफ और पश्चिम से दक्षिण की तरफ। ये जो थंब है वो हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूर। इस तरह से 12 थंब जो हैं चारों खांचों में आने से और 8 थंब जो हैं वो इसमें आ जाते हैं, 16 थंब जो हैं चार आगे के पूरब की दिशा के हमने पहले गिने, 4 पश्चिम में, 4 उत्तर में और 4 दक्षिण में। इस तरह से 64 थंबों की शोभा जो है वो दिखाई दे। इन 64 थंबों के बीच कठेड़ा लगा हुआ, सुंदर कठेड़े की शोभा, कठेड़े के साथ लगते हुए लाल रंग के तकिए, लाल रंग के जो तकिए हैं इनके साथ हम सब आत्माएं एक दूसरे के साथ कैसे बैठी हुई हैं, दाड़म की कलियों की भांति, दाड़म की कलियों की भांति जिसकी एक चौपाई भी बहुत अच्छी है, ए मेला बैठा एक होए के, एक दूजी को लाग, आवे न निकसे इतथे बीज हाथ न अंगुरी मार। सुंदर साज जी कैसे हम सब सुखियां दाड़म की कलियों की भांति एक दूसरे के साथ गलवियां डाल करके बैठी हुई। हमने उस मूल खिलवत को,
उस मूल वाहिदक को याद करना है। यहां हमारी पर आत्म बैठी हुई है, क्योंकि पर आत्म की नजर ही आत्म है। आत्म यहाँ के जी पर बैठ करके इस खेल को देख रही है, और वही आत्म जब जी बल पकड़ता है तो वो उस मूल मिलावे की शोभा में पहुंचती है, और वहां पर पहुंच करके युगल स्वरूप की शोभा को निहारती है। अपने सिंहासन पर जहाँ कंचन अंग का सिंहासन है उसको निहारती है, 64 थंभों की शोभा को देखती है, गिलम की शोभा को देखती है, और ऊपर चंद्रमा की शोभा को देखती है, और उसकी वहां पर आत्म भी हमारी वहां पर बैठी हुई है। मैं अपनी पर आत्म की शोभा को भी निहार रही हूँ। हमारी आत्म ही पर आत्म को देखेगी, छुपाई भी है आत्म, पर आत्म को जब देखेगी तो फिर से उल्टा फिर जाएगा, जिसके लिए हमें कहा जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके बिलसिए संग खसम। अपने धनी के साथ हमने क्या करना है, बिलास करना है, अपने धनी के साथ लाड करने हैं, अपने धनी के साथ प्रेम करना है। अपनी पर आत्म का श्रृंगार करके ही हमारी आत्म जो है मूल मिलावा में पहुंचेगी, और वहीं पर हमारी जो आत्म है अपनी पर आत्म की शोभा को भी निहारेगी। इस तरह से सारी शोभा को निहार करके अब मेरी आत्म क्या कह रही है कि मेरी प्यारे परम धाम की सखियो, महामती जी कह रहे हैं कि यदि तुम भी परम धाम से इस खेल को देखने के लिए यहाँ आई हो, अब अगर वापिस लौटना है आपको तो इन युगल स्वरूप की शोभा को, अपने मूल मिलावे की शोभा को अपने रूह की नैनों में बसा करके अपने घर, अपनी सुरता को अपने खिलवत खाना में लगा दो, अपने मूल मिलावा में लगा दो। मूल मिलावे का अर्थ ही होता है जहाँ हमारा मूल का मिलावा है, जहां से हमने खेल मांगा है, खेल देखने के लिए हम आए हैं। वृत्त का मतलब ही होता है परम धाम से चले थे और हमें अपने घर परम धाम में मूल मिलावा में ही वापिस लौटना है। वही हमारी सुरता जो है वहां माया के खेल को देख रही है, इसलिए क्या कह रहे हैं, कहे महामती अरवा अर्श की, जो कोई आई हुए उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर, चलिए अपने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जी सुंदर साथ जी, मूल मिलावे की शोभा को हमने किरण दीदी के मुख से सुना। नक्शा दूसरा डालेंगे। बाद में यदि टाइम होगा तो एक थोड़ी सी वीडियो दिखाएंगे जिसमें और राजी की मूल मिलावे की शोभा का अच्छे से एक शॉट में छोटी सी पिक्चर जो होगी वो करेंगे। अभी हम रसोई की हवेली से आज हमारा जो रहेगा मूल मिलावे से भूलवनी की ओर, यानी हम मूल मिलावे से यहाँ पे राजी महाराज की मेहर से किरण दीदी के मुख से हमने राजी और श्यामा जी की शोभा को अच्छे से उन्होंने हमारे दिल में समझाया। बाकी हम शोभा घर में भी पढ़े, सागर सिंगार में कितने अच्छे से राजी का सिंगार का वर्णन किया है। सागर तो महा जो सिंगार है उसमें तो बिल्कुल महा सिंगार की तरह वर्णन, यानी कि झांझरी की भी एक एक पुतलियां कैसे आई हैं, हरेक आभूषण का वर्णन इतना खुल के सिंगार ग्रंथ में करा है। तो हम सब सुंदर सार घर में भी सिंगार वाणी के प्रकरण हम पढ़ेंगे राजी श्यामा जी के शोभा को। अब हम चलते हैं मूल मिलावे से हमने भूलवनी का मंदिर यानी कि दूसरी भूमि में कैसे जाना है। पहले हम देखते हैं, रिवाइज करते हैं। पहले रसोई की हवेली से कल हम मूल मिलावे गए थे, तो एक शोभा कल जो सुंदर साथ मिस हो गया है तो उनका जल्दी से ये रिवाइज हो जाएगा कि रसोई की हवेली से कैसे हम मूल मिलावे पहुंचे।
तो धाम दरवाजे से जब हम अंदर आए, एक गली को पार करके, 28 स्तंभ के चौक को पार करके, पहली रसोई की हवेली की 11 मंदिर की ढलान में हम सब मिलके राज्य को मिलने चल रहे हैं। तो यहाँ पे आए, 3 सीढ़ियां ऊपर, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर, रसोई की हवेली का ये चबूतरा, चढ़ गए पूरब की दिशा से और पश्चिम की दिशा से, नीचे उतर गए और फिर एक खम्भों की हार, 2 गलियों को पार किया। सब अपने अपने मन में बोलेंगे, मेरे को माउथ चलता हुआ नजर आना चाहिए कि सब धीरे धीरे बोल रहे हैं। जितना हम बोलेंगे ना, क्योंकि जितना समझ आ गया हम रिवाइज करवा रहे हैं, बोलेंगे तो वो अंदर चित्त में बिल्कुल अंकित हो जाता है अच्छे से। तो मैं पश्चिम की दिशा से बाहर निकली तो क्या देखा, 1 खंभों की हार, 2 गलियां। तो पश्चिम के दरवाजे से, पहली चौरस हवेली के पश्चिम के दरवाजे से मैं बाहर निकली। बाहर निकलेंगे तो क्या आएगा, 2 खंभों की हार, 3 गलियां। उनको पार करके ऐसे मैंने दूसरी हवेली को भी ऐसे ही पार किया, तीसरी हवेली को पार किया, चौथी हवेली को पार किया, फिर मैं, ये हमारी 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे की शोभा। इसमें अब क्या होगा, 1 थंब जो अब आएंगे बाहर निकलने पर वो चौरस आएंगे, और जो दूसरे थंबों की हार आएगी वो गोल होगी। गोल आएगी। हाँ, तीनों हमारे जो थंब इसमें आएंगे, 64 थंबों की 3 हारें। तो पहली तो ये बाहर आ गई, मतलब कि गोल हवेली के बाहर पहली ये 64 थंब गोल आ गए। फिर हमारे 60 मंदिरों की 1 हार, फिर हम अंदर गए तो 1 थंबों की हार, 2 गली। दूसरी पिक्चर देखते हैं इसके, ये मंदिर है हमारे, ये बाहर के थंब, इसमें देखो कलर्स अच्छे से हैं। ये सब घर में हम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि एक बार सुनने से नए सुंदर साथ को नहीं याद होगा, पुराने सुंदर साथ फिर हमारे आंख बंद करके बोल सकते हैं कि हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना प्रवाल हेम चांदी नूर कंचन फिरोजा और कपूरिया। पुराने सुंदर साथ फिर भी बोल सकते हैं, जो नए सुंदर साथ हमारे साथ जुड़े हैं तो वो हम घर में इनको अच्छे से शोभा में घर में उसको देखेंगे। तो यहाँ से हम अंदर गए तो मंदिरों की 1 हार, फिर 1 गली को पार किया तो 1 खंभों की हार, 2 गली। फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े तो चबूतरे पर, गोल चबूतरे पर फिर से 1 खंभों की हार, यानी 3 हमारी खंभों की हारें आ गई, 64 खंभों की। और सेंटर में हमारे राजी श्यामा जी का सिंहासन, जो हमारी किरण दीदी ने अच्छे से सब सुंदर साथ को समझाया। अब हमने चलना है यहां से बाहर। अब बाहर जाने का रास्ता, सब अपनी दिशाएं चेंज हो जाएंगी, ये भी आना चाहिए कि अब हमने यहां से चलना है तो कौन सी दिशा होगी, आरती, आरती बोलेंगे, कौन सी दिशा होगी हमारी, हम बाहर निकल रहे हैं तो पूरब की दिशा, यानी हम पहले कहाँ जा पूर्व रहे थे, दिशा की ओर। हाँ, पहले हम जा रहे थे पश्चिम की दिशा में, तो अब हम वापिस आ रहे हैं, क्योंकि हमने सीढ़ियों वाले मंदिर से, सब सुंदर साथ को याद है पहली चौरस वेली, अभी दिखाती हूँ सीढ़ियों का मंदिर कहाँ है। ये हमारा सीढ़ियों का मंदिर है, तो ऐसी 4 चौरस हवेली पार करी थी हमने। अब हमें आना यहीं पे ही है, सीढ़ियों वाला मंदिर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हमने कहाँ जाना है, दूसरी भूमि में। पहली भूमि की शोभा क्या थी, रसोई की हवेली और मूल मिलावा। अब मूल मिलावे से हम चल रहे हैं वापस दूसरी भूमि में। ये देखो मूल मिलावा है, इधर से हम बाहर निकलेंगे तो हमारी दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा। ठीक है, पूर्व दिशा से हम जब बाहर निकले तो वैसे ही हमें मंदिरों की हार को पार करना है, और दरवाजा कौन सा हो जाएगा, ये पूर्व वाला दरवाजा। दरवाजे से बाहर निकले और हमने 1 खंभों की हार गोल देखी, 1 चौरस देखी। चौरस, ठीक है, और ये चौरस हवेलियां। अब कौन से दरवाजे से हमने इसके अंदर घुसना है, आरती, पश्चिम का।
जोर से कॉन्फिडेंस से बोलो, जोर से, क्योंकि है ना हम लोगों को ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा जैसे जैसे बोलेंगे चितवन वैसे वैसे चलती है, क्योंकि पहले अभी तो इलम से हमारी चितवन चलनी शुरू होगी, फिर राजी का विरह आएगा, क्योंकि जब इलम की चितवन हम बोलते रहते हैं फिर जब कुछ नहीं दिखता आगे नहीं बढ़ता तो फिर एक राजी का विरह आता है कि राजी महाराज अब तो आ जाओ, अब मेरे सामने आओ, अब तो आ जाओ, इलम से बहुत समझ लिया, मेरे सामने आओ। तो ये स्टेज होती है कि पहले हम मुंह से बोलेंगे कि अब हम पश्चिम के दरवाजे से मैं चौरस हवेली के अंदर आ गई, तीन सीढ़ियां ऊपर चढ़ी पश्चिम की तरफ से और पूर्व की तरफ से नीचे उतरी और फिर एक तंबू की हार बुल्ले को पार के के। हाँ बोलो आराम से बोलो आप। हाँ एक तंबू की हार दुगुली को पार करके पूर्व के दरवाजे से बाहर आई, दो गलियों की दो थंबों की हार तीन गलियों को पार करके पश्चिम के दरवाजे से अंदर चली गई। ठीक है पश्चिम के दरवाजे से आई, तो ऐसे ही मैंने ये दो चार चौरस हवेलियां पार कर ली। ठीक है अब पार करके मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अब देखो मैंने आना है सीढ़ियों वाले मंदिर में, यहाँ से चबूतरे से उतरी, एक थंबो की हार दो गलियों को पार, ये दूसरी गली में मैं खड़ी हूँ, तो मेरे बाएं हाथ दिशा कौन सी होगी, कौन सी दिशा में सीढ़ियों का मंदिर है, उत्तर में, उत्तर की दिशा में। ठीक है उत्तर की दिशा में मैंने अपना मुख किया, अपना मुख उत्तर की दिशा में किया। सबसे पहले तो दोबारा से रिवाइज करेंगे सब अपनी दिशाएं, मैं सामने खड़ी हूं तो पूर्व की दिशा, मेरे सामने पश्चिम की दिशा और मेरे दाहिने हाथ उत्तर की दिशा, लेकिन जब मैं वापिस आ रही हूं तो मेरा हाथ बदल जाएगा लेकिन दिशाएं नहीं बदलेंगी, दिशाएं तो वही रहेंगी ना, ये पूर्व ये पश्चिम और ये उत्तर और ये दक्षिण। अब मैं वहां से वापिस आ रही हूँ, वापिस आ रही हूँ ना, तो मेरा हाथ बदला है, जब मैं यहाँ से गई थी तो मेरा दाहिना हाथ था, जब मैं अंदर चल रही थी यहाँ से 11 मंदिर की दहलान को पार किया तो मेरा हाथ कौन सा था, दाहिना हाथ। ठीक है अब वापिस आ रही हूँ तो मेरा हाथ बदला है लेकिन दिशा वही रहेगी, दिशाएं कभी नहीं बदलेंगी, बस मेरा बदलेगा कि मैं जा रही हूँ तो मेरा दाहिना हाथ है और आ रही हूँ तो बाएं हाथ है। तो ये मैं वापिस आ रही हूँ तो मैंने अपना मुख उत्तर की दिशा में किया, तो ये मैं सीढ़ियों वाले मंदिर में आ गए। ठीक है वापसी का रास्ता हमारा ये हुआ कि मूल मिलावे से वापस मैं कैसे आई सीढ़ियों वाले मंदिर में, क्योंकि वैसे तो वहां पूरे परम धाम में सब कुछ चेतन है, कहीं पे भी सीढ़ियां बन सकती हैं, लेकिन अष्ट पहर की जो हमारी सेवा है उसमें हमारे राज्य महाराज जितने भी परम हंस हुए हमारी वाणी है सब में ये सीढ़ियों का मंदिर कहा है, लेकिन सागर सिंगार परिक्रमा में ये भी कह दिया है कि कहीं पे भी सीढ़ियां हर मंदिर में अपने राज्य की मतलब कि हम सोचते ही वही सीढ़ियां बन जाती हैं, लेकिन एक इलम से हमने ये समझा है कि सीढ़ियों का मंदिर यही है, यहाँ से हमने चितवन के लिए दूसरी भूम में कैसे जाना है वो समझा है। तो मूल मिलावे से मैं वापिस आई इस तरह से, मूल मिलावे से चार चौरस हवेलियों को पार करके ये रसोई की हवेली में आई, तो बाहर नहीं निकलना हमने क्योंकि हमारा सीढ़ियों का मंदिर कहाँ है, अंदर पहले चौरस। ठीक है कोने वाले हमारा इधर है श्याम का मंदिर और सफेद मंदिर और इसके बीच में सीढ़ियों का मंदिर। अब सुंदर साहब जी एक बात और समझनी है हमें, वो बहुत जरूरी है, अच्छा खोल रही हूँ हमने दिशाएं करी थी पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक है ये पूर्व दिशा इधर पश्चिम दिशा ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण की दिशा, लेकिन अब हमारी चार दिशाएं और हैं, यानी कि ये कोने को क्या बोलेंगे, इस कोने को क्या बोलेंगे, इस कोने को क्या बोलेंगे और ये कोने को
पूरे रंग महल के चार कोनों को क्या बोलेंगे? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक इजी वर्ड है अवनी, अवनी अगिन अनवी, सॉरी हाँ अनवी, नॉट अवनी अनवी, सब लिख लेंगे अनवी। तो अ से बनेगा अगिन और न से बनेगा नैरित और ये वाइव और ये ईशान। ये चार कोने ये बहुत जरूरी हैं समझने, क्योंकि आगे सब ये दिशाएं हमें समझ मतलब इससे हमें पता लगेगा कि इस कोने में क्या शोभा आई है, कैसे 1200 मंदिर में लाल चबूतरा आया है। जब तक ये दिशाएं नहीं पता होंगी तो हम नहीं समझ सकते। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब सुंदर साथ को अच्छे से समझ आया है। अब हम समझ रहे हैं अनवी, ये वर्ड लिख लेंगे क्योंकि इससे समझ आ जाएगा अगिन नैरित वायव और ईशान। ठीक है आरती अब म्यूट कर लो एक बार, है ना, अगिन नैरित वायव और ईशान। अब हमने ये नौ फिरावे समझे थे, क्या समझे थे सुंदर साथ जी? नौ फिरावे, उसको एक बारी और दोबारा से देखेंगे क्योंकि दूसरी भौम में अब हमने चलना है। तो नीचे की भौम का ये पूरा 201 हांस में हमारे नौ फिरावे आए थे, जिसमें चार चौरस चार गोल ऐसे आठ फिरावे, और नौवा फिरावा हमारा क्या था? पंचमहल का। अब जो दूसरी भौम हम जब चलेंगे तो हमें भूल भुलैया के मंदिर को समझने के लिए ये फिरावों को अच्छे से याद रखना है कि भूल भुलैया के मंदिर कहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, दूसरी भूम चलते हैं अभी सीढ़ियों के मंदिर से। यहां से आए हम पांचवी गोल हवेली से हम आ रहे हैं, अपना मुख पश्चिम पूर्व की तरफ करते हुए आ रहे हैं। सुंदर साथ जी कोई भी शब्द मुख से यहाँ गलत निकल सकता है, कोई ये ऐसा ना सोचे कि हाँ भी ये बोला था, और ये यहाँ सब प्रेम की चितवन हो रही है, बिल्कुल नॉर्मल, सब हम मिल के सुंदर साथ एक दूसरे की गलतियों पे ध्यान नहीं देंगे कि हाँ भी ये बोला और ये बोला, तो ऐसे नहीं। यहाँ प्रेम से हम गलतियां होंगी, हर दम होंगी हम सब सुंदर साथ से, क्योंकि ये मुख है ना, अचानक से कुछ निकल जाता है। तो ये यहाँ से मूल मिलावे से हम चल रहे हैं, यहाँ सारी हवेलियों को पार करके अपना मुख हमने किया उत्तर की साइड। तो यहाँ हम आ गए सीढ़ियों वाले मंदिर में। अब सीढ़ियों वाले मंदिर में भी दो दरवाजे हैं, सीढ़ियों वाले मंदिर में दो दरवाजे हैं, एक तो उत्तर का दरवाजा और एक दक्षिण का दरवाजा। सीढ़ियों वाला जो हमारा लिफ्ट का मंदिर है, अब यहाँ पे हम सब जब मॉल में जाते हैं सबने ध्यान से देखा होगा कि दो दरवाजे होते हैं, कभी भी मॉल में जाएंगे एक दरवाजे से निकलेंगे तो कभी उधर निकल आते हैं, तो दो दरवाजे होते हैं। तो ये हमारा उत्तर वाला दरवाजा हवेली के अंदर खुलता है और दक्षिण वाला बाहर खुलता है। इस हमारी लिफ्ट वाले मंदिर से हम बाहर आएंगे तो ये बाहर आ जाएंगे दक्षिण वाले दरवाजे से, ठीक है, और ये उत्तर वाला दरवाजा, यहां से जब हम आ रहे हैं तो उत्तर वाले दरवाजे से हम लिफ्ट में बैठ गए, तो लिफ्ट का बटन दबाया कि राजजी महाराज हम सबको लेके दूसरी भूम चल रहे हैं। अब राजजी महाराज ने हमारी वैसे तो वहां यहाँ पे भी पकड़ी हुई है, लेकिन अब राजजी श्यामा जी को हम लेके मिलके सब सुंदर साथ को मूल मिलावे में राजजी से मीठी मीठी बातें करके राजजी से अर्जी करिए, राजजी अब हमें आप भूल भुलैया के मंदिर में ले चलो, हम आपके साथ वहां सैर करना चाहते हैं। तो राजजी के साथ हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे आ गए हम, अब इस लिफ्ट में आ गए। अब हमें समझना ये है कि भूल भुलैया के मंदिर कैसे बने हुए, लिफ्ट में आ गए लेकिन अभी सब सुंदर साथ को ये पता नहीं है कि भूल भुलैया के मंदिर क्या है, तो ये शोभा को अभी हम समझते। ये देखो ये चौरस हवेलियां गोल हवेलियों के ये फिरावे, ये पंचमहल,
इस तरह से पंचमहल, पांच मंदिर का ये हमारा पंचमहल है। ये हमारे भूल भुलवनी के मंदिर। ये अब ये आए कैसे हैं, पहले इसको हमने समझना होगा कि ये कहाँ पे आए हैं। तो सब सुंदर साथ ने ये दिशाएं समझी हमारी कि अग्नि, नैऋत्य, वायव और ईशान। जब हम ये पहली चौरस हवेली, ये मानो ये वाली चौरस हवेली में हम आ गए, तो सीढ़ियों का मंदिर यहां से है, तो दक्षिण के दरवाजे से मैं बाहर निकल आई। दक्षिण के दरवाजे से बाहर निकली तो क्या देखा मैंने, दो थंबों की हार, तीन गलियां। यहाँ पे ये रसोई की हवेली ये है, और ये लिफ्ट भी यहीं पे थी। सब सुंदर साथ को भी दिखाई थी कि ये हमारी चौरस हवेली है, तो यहाँ लिफ्ट वाले दरवाजे से मैं बाहर निकली। बाहर निकली तो यहाँ पे दो थंबों की हार, तीन गलियां। फिर मैंने क्या देखा कि ये तो सामने मुझे शीशे के मंदिर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और वो कैसे आए हैं वो शोभा इसको और अच्छे से समझते हैं। हर सुंदर सात को पता है कि ये जो 201 हांस आए हैं, तो इसके हमारे 50 हांस में कितने मंदिर होते हैं, 1500 मंदिर। यानी कि इधर हमारे दक्षिण में 1500 मंदिर, पश्चिम में 1500 मंदिर, उत्तर में 1500 मंदिर, और इधर भी 1500 मंदिर। तो ये हमारे 6000 मंदिर की जो गिर्द आई है। अब हमने देखना है कि भूल भुलवनी के मंदिर कहाँ बने हुए हैं दूसरी भूमि में। जैसे ये पहली चौरस हवेली है, यहाँ पे बना हुआ था सीढ़ियों का मंदिर। अब जब हम यहाँ से निकलेंगे तो कैसे वो शीशे के मंदिर बने हुए हैं, यानी कि चौरस हवेलियां, ये जो चार हार जो चौरस हवेलियां हैं, इनकी जगह पर 16 हवेलियों की जगह पर वो शीशे के मंदिर बना दिए दूसरी भूम में। इधर की साइड से हम 1200 मंदिर को छोड़ेंगे, यानी कि ये कौन सा कोना है हमारा, अग्नि, नैऋत्य, वायव और ईशान। तो वायव वाले कोने से 1200 मंदिर को छोड़ दो, क्योंकि वो जगह जब तक नहीं पता होगी कि हमारे भूल भुलवनी के मंदिर बने कहाँ हुए हैं दूसरी भूम में। ये शोभा हमने पहली भूम की समझी, सेम ऐसे ही दूसरी भूम की शोभा है, लेकिन कुछ फर्क है, जहां ये चौरस हवेलियां नहीं आई वहां शीशे के मंदिर आए हैं। ये हम बात 2-3 बार समझाएंगे, सुंदर सर घबराए नहीं, हर तरीके से समझाएंगे इजी तरीके से। पहले ये हमने चार कोने समझे, अगिन सब मुंह में बोलेंगे और लिखा हुआ है तो उसको फिर से रिवाइज करेंगे, अगिन, नैऋत्य, वायव और ईशान। तो वायव कोने से 1200 मंदिर छोड़ दो, टोटल 1500 है ना, इस कोने से इस कोने तक 1200 मंदिर छोड़े, तो उसके आगे के 110 मंदिर में हमारे 110 मंदिर के सामने भूल भुलवनी के मंदिर है। और जब हम चौरस हवेली से इधर सीढ़ियों के मंदिर से दूसरी भूम में पहुंच गए, तो इधर जो चार पहला फिरावा आएगा चार हवेलियों का, जैसे चार 16 हवेलियों का, पहली चार ये, चार 8, चार 12 और चार 16, तो ये 16 जो चौरस हवेलियां हैं ये ऊपर नहीं आई, उसकी जगह क्या आ गया यहाँ पे, शीशे के मंदिर आ गए। दोबारा समझते एक एक बात को अच्छे से, और दोबारा समझते हैं। ये हमारा अग्नि, नैऋत्य, वायव और ईशान। तो हमें सबको पता है कि हर दिशा में 1500 मंदिर होते हैं, टोटल 6000 मंदिरों की दो हार है ना, पहले ये वाली हार फिर ये वाली, तो 6000 मंदिर हैं, तो एक साइड कितने होंगे, 1500 मंदिर।
तो 1200 मंदिर छोड़ दो, उसके आगे 110 मंदिर के सामने, 110 मंदिर के सामने 16 चौरस हवेलियां, यानी कि पहला फिरावा ये चौरस हवेलियों का, चार ये चार ये चार ये चार ये, 16 चौरस हवेलियां दूसरी भौम में नहीं आई है, उसकी जगह क्या आया है हमारा शीशे का मंदिर। अब हम दूसरा नक्शा एक बार देखते हैं, उसमें देखते हैं। ये देखो सुंदर साहब जी, ये चौरस हवेली जा रही है, फिर ये गोल हवेली, फिर ये गोल फिरावा, ये गोल। अब यहाँ पे देखो ये फिरावा हमें एक निशानी के तौर पे बताया ना कि चौरस चौरस गोलाई में सब घूम रहे हैं, तो ऐसी चार चौरस, फिर चौरस, फिर चौरस, 16 चौरस हवेलियां उस जगह चौरस नहीं आई हैं, तो क्या आया है शीशे के हमारे 12000। जगह कितनी ली है इसने, 12100, 12000 तो मंदिर हो गए और 100 मंदिर का हमारा चौक हो गया। दोबारा समझते हैं, ये हमारी 16 चौरस हवेलियां, सबको पता है ये फिरावे जा रहे हैं घूम के हर तरह से। एक बार और दिखाती हूँ, क्योंकि ये अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि हमारे फिरावे, इसलिए वो स्टार्टिंग में वो समझाया था। ये देखो ये हमारे 201 हांस में ये प्रथम भौम की भी यही शोभा, दूसरी भौम में भी यही शोभा, पूरी नौवीं भौम तक ऐसी शोभा। कुछ कुछ फर्क आएगा, पहली भौम हमने समझ ली कि ये पहली चौरस हवेली में हमारी रसोई की हवेली और ये गोल हवेली में हमारा मूल मिलावा। अब हमने चलना है दूसरी भौम में, तो यहाँ पे हमारा सीढ़ियों का मंदिर था, उसमें हम बैठ गए सब मिलके, तो लिफ्ट का बटन दबाया, दो नंबर पे हम पहुंच गए, तो सब ये अज्यूम करेंगे कि हम दूसरी भौम में खड़े हैं, ये वाली स्थिति को सब दूसरी भौम में महसूस करेंगे। तो मैं सीढ़ियों वाले मंदिर से बाहर निकली, बाहर निकलेगी तो क्या आएगा, दो थंब, हर सुंदर साथ को ये पता है हवेली से बाहर निकलेंगे तो दो थंबों की हार तीन गलियां, तीन गलियां। तो मैं बाहर निकली तो मैंने क्या देखा, दो थंबों की हार तीन गलियां आई हैं, और सामने मुझे क्या दिख रहा है, वहां पे ये वाली चौरस हवेलियां नहीं है, एक चार चार आठ चार सोलह, मतलब कि वो, ये तो नक्शा शॉर्ट में दिखाया ना, हमने गिनती वैसे करनी है कि वायव कोने से 1200 मंदिर छोड़ दिए और उसके बाद 110 मंदिर के सामने हमारी ये 16 चौरस हवेलियों को काट दिया, यानी उस जगह ये हवेलियां नहीं आएंगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये भूलभुलैया के मंदिर आ जाएंगे। इसीलिए ये सारी दिशाएं ये और अच्छे से समझी हैं, अगिन नैऋत्य वायव और ईशान। वायव कोने से 1200 मंदिर छोड़ दो और आगे के 110 मंदिर के सामने, यानी कि जो बाहर हमारी 6000 मंदिरों की हार आ रही थी ना, ये वाले मंदिर हमारे, ये हमारी उत्तर की दिशा के 1200 मंदिर छोड़ दो। मान लो एज्यूम करो यहाँ तक 1200 मंदिर है, 1200 मंदिर को छोड़ा तो उस मंदिर के सामने यहाँ पे, यानी कि दो थंबों की हार छोड़ेंगे फिर दूसरी हमारी मंदिरों की हार आएगी, तो ये चौरस हवेलियां चार 16 नहीं आएंगी, चार ये वाली, चार ये, चार ये, चार ये, ये 16 चौरस हवेली ऊपर नहीं आएंगी, तो यहाँ पे भूलभुलैया के मंदिर आएंगे। अच्छा खोल रही हूँ दूसरा, अब ये वाला भी नक्शा सब देखेंगे, वो हमने कलर्ड नक्शा देखा, तो ये सबको ये चौरस हवेली का निशान दिख रहा है, ये देखो एक मिनट मैं इसको थोड़ा उस तरह से कर लो, हाँ ये ठीक, ये हमारे मंदिरों की दो हारे, इधर से हमने 1200 मंदिर छोड़े आगे, अभी ये जगह थोड़ी है ना, 1200 मंदिर छोड़ेंगे, तो ये ताड़वन
ठीक है, तो ये हमारी जैसे एक दो तीन चार, चार चौरस हवेलियां है ना, ये इनको काट दिया, मतलब इस जगह वो चौरस हवेलियां नहीं आई, तो ये हमारे शीशे के मंदिर आए। 12,100 का चौक बन गया, यानी कि 100 का हमारा चौक बन जाएगा एक सेंटर में, जिसमें सिंहासन, सब राजी महाराज यहाँ बैठते हैं, राजी श्यामा जी, और यहाँ पे हमारे लुक्का छुपी का जो गेम होता है, और इन मंदिरों का वर्णन आशु जी आपको करेंगे कि कैसे बने हुए हैं ये भूलभुलैया के मंदिर, क्या इनकी शोभा आई है, कैसे यहाँ पे क्या लीला होती है, और जो भी उनके दिल में आ रहा है वो अच्छे से समझा सकते हैं कि क्या शोभा आई है। ये शोभा कलर्ड नक्शों में, ये देखो चार चौरस हवेली काट दी, पूरा इसका ये देखो गोल के आगे चौरस आएगी ना, एक गोल तो यहाँ भी चौरस आ रही होगी, ये दो तीन चार, तो इधर से भी एक दो तीन चार, तो ये हमारी 16 हवेली कट गई उस जगह पे, शीशे का मंदिर ये आ गया। आशु, इस शीशे का मंदिर की शोभा को आप समझाओ, कैसे बने हुए हैं ये जी। सुंदर साथ जी, सुंदर जी, जैसा है कि चार चौरस हवेलियों की जगह चौरस हवेलियां सिधाई में और चौड़ाई में, दोनों तरफ से हमने ली, तो 16 हवेलियों की जगह 12,100 मंदिर का लंबा 12,000 एक मंदिर की जगह लिए हुए एक चौरस जगह आई है, जो कि शी के मंदिर बने हुए हैं का वर्णन राज्य हमारे कुलजम स्वरूप हमारे हास विलास के लिए किया गया है। यहाँ पर हम की लीला करते हैं जी के साथ, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा नेट की दरवाजे से निकलते हो तो दूसरा दरवाजा दिखाई नहीं देता, जब आप दूसरे दरवाजे से निकलते हो तो लगता है दिखाई, आप साथ वाले कमरे में कुछ खड़ा है, सखी जी महाराज खड़े हैं उनको पकड़ के लिए जब हम दौड़ते हैं ऐसे लगता है वो और तीसरे कमरे में है, नहीं आती कि ये क्या लीला चल रही है, कोशिश करते हो आप उस लीला डूबने की कि भाई मैं राज आप सुन पकड़ लूं। आशु तुम्हारी आवाज कट रही है, नेट सही नहीं है, आशु तुम्हारी आवाज कट रही है, एक मिनट को म्यूट कर देती आप समझाओ, कोई बात नहीं। हाँ, ये हमारे 12,000 मंदिर, इन मंदिर की क्या शोभा आई है, हर मंदिर के चार दरवाजे हैं और सब मंदिर शीशे के बने हैं, सभी मंदिर शीशे के बने हैं, तो यहाँ पे पकड़न पकड़ाई की हम खेलते हैं तो कहीं भी छुप जाते हैं तो हमारे कितने स्वरूप हर जगह, छत भी शीशे की, दीवारें भी शीशे की, यहाँ यहाँ भी एक अपने ऐसे बनी हुई है जगह, कौन सी जगह हमें आई डोंट नो, मैं पर गई हुई हूँ ऐसे कि शीशों के मंदिर के एक जगह जयपुर था के कहीं पे गई थी, तो वहां अंदर घुस जाओ तो सब हमारे स्वरूप कितने सारे नजर आते हैं, तो ऐसे लगता है कि भाई यही सच्ची के हैं कि मैं हूँ, पूरा सब जगह शीशे में हमारे स्वरूप नजर आते हैं, तो पकड़न पकड़ाई की लीला होती है, जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो राजी यहाँ पे सेंटर में बैठ के खूब हंसी ठिठोली करते हैं, तो ये लीला यहाँ पे हमारे भूलभुलैया के मंदिरों में लीला होती है। बाकी विस्तार से अभी जब इसकी लीलाएं करेंगे पूरी, हम चलेंगे मूल मिलावे से लेकर भूलभुलैया की पूरी लीलाओं में वर्णन समझेंगे, जब पूरा अष्ट पहर की पूरी शोभा हमारी नौ भौम दशमी अकाशी तक हो जाएगी तो सब लीलाओं में अच्छे से चितवन के द्वारा डूबेंगे, हम सब मिलके डूबेंगे, राज्य के साथ घूमेंगे, तो ये हमारी भूलभुलैया की शोभा। और एक चीज और अब रह गई है, ये हमारी दूसरी भौम में ऊपर जहां मंदिर आए हैं तो वहां झरोखा भी आया है, इसका नक्शा मैं दूसरा डालूंगी,
शीशे के मंदिर और ये देखेंगे सारे मंदिर जो दर्पण के हैं। देखो ये चार दरवाजे, वो चीज कल समझेंगे, टाइम कम है हमारे पास। ये मैं इसलिए दरवाजे दिखा रही हूँ, ये देखो एक दरवाजा, दो दरवाजा, हर दिशा में वो देखो दिख रहा है इधर, ये तीन। तो ये हमारे शीशे के मंदिर, और ये शोभा कि जैसे इन मंदिरों में खड़े होने से अपने असंख्य प्रतिबिंब नजर आते हैं, जिसको किसी को ढूंढना कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्वरूप नजर आएंगे तो हम ढूंढ ही नहीं सकते किसी को। तो राजी यहाँ पे ये खेल खेलते हैं। तो ये हमारा सेंटर का 100 मंदिर का चौक, बीच में राजी श्यामा जी कुर्सियां यहाँ सब बैठे, हम सब मिलके बैठते हैं जब सुंदर साथ खेल रहे होते हैं, जब एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, सिर पटकते हैं, तो यहाँ सब राजी महाराज ताली बजा के सब हंसते हैं, ये लीला होती है। ठीक है सुंदर साथ जी, हमारा टाइम हो रहा है ये, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी हम सब आपस में मिलेंगे, तो हमारे को एक ये सूचना देनी है कि हमारे ग्रुप्स तैयार